हाँ वो तो सारे उसमें जुड़े हुए ना, कंफर्म करना वो तो अपने उस शक को हटाने के लिए। लेकिन हम बहुत से कपड़े बार बार भी बदल पहनते हैं। हाँ ये तो 10 बार पहन लेते हैं। हाँ उससे एक बार में नहीं पहन। लेकिन स्वेटर तो आप पहनती हो। सर मैं इसी वजह से तो आप मेरे घर पे मैं स्वेटर नहीं पहनती, ठंड में सिकुड़ जाऊंगी। ये तो बता रही हूँ। और ये मैं अलमारी में रखती हूँ अपनी, नीचे जाते टाइम पहली गई और सीधा कमरे में आई, वो भी अंधेरे में नहीं आऊंगी, जाले में आई रख दी वापस घर में। वो लोग वो कहते पड़ोसन तुम्हें ठंड नहीं लगती? मैंने नहीं लगती, क्या करूं? लगती तो है, क्या करें? ओ हाँ डर के मारे नहीं पहनती। हाँ दूसरों को ये थोड़ी ना बताएंगे। हाँ वो तो है ना, हीरो बनते हैं लेकिन हीरो बनाते हैं तो ठंड में क्या है। हीरो तो क्या बनते हैं, बेचारे परेशान होते रहते हैं, लेकिन दूसरों को लगता है बड़ा दमदार बंदा है। दूसरों को क्या बताएं दिल का हाल कितने दर्द में है ना। दूसरे क्या समझेंगे, वो कहेंगे यार कितने का है, वो और मजाक उड़ाएंगे, इसलिए रहने ही देते हैं ना। हाँ जी। लेकिन वो सारा गड़बड़ थी, वो करना ही बीमारी है। हाँ। क्या समझे? करना ही बीमारी है। तो उल्टी दिशा पकड़ रखी थी ना, कि डी से सी ठीक नहीं होता, सी और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाता है, और सी है तो बिल्कुल नकली, लेकिन जितना असली मानेंगे और उससे बी को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ये गंदगी का एहसास, ये गंदगी वाले विचार ज्यादा आने लग जाएंगे, ये फंसने लग जाएंगे। जितना हम खतरे को असली मानेंगे उतना ये विचार ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगा, ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, ज्यादा आएगा, रिपीटेड आएगा, ज्यादा फंसेगा। सी से जो ऑब्सेशन है वो ज्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं, और जितना ऑब्सेशन ज्यादा स्ट्रोंग होगा ट्रिगर नए नए ऐड होते जाएंगे, फिर मशीन भी गंदी लगेगी, कपड़े दूसरे सारे कपड़े सारी चीजें गंदी आने लग जाएंगी। इसमें प्लस होते जाएंगे ना, इसमें ट्रिगर ऐड होते जाएंगे। क्या समझे? यही कि करना है फंसना है, फिर उससे अगर आप हाँ करना बचना मरना फंसना ही वो ट्रिगर फिर ऐड होते हैं। इसी एक चीज से बहुत चीजें लिंक होती है। हाँ ओसीडी का जाल है वो, और ज्यादा उलझता जाएगा, ओसीडी और पावरफुल होती जाएगी। ये दिशा आपकी बिल्कुल गलत थी, या आप डी से ए को ठीक कर ही नहीं सकते, ये गलती हो गई है। क्या समझे? करना ही फंसना होता है, इससे आप डी से बी को कर ही नहीं सकते खत्म। हाँ लेकिन हमने इतने सालों तक कोशिश तो यही की है, इसीलिए फंसे हैं। कितने सालों से ये? 4 साल। हाँ आपका डाटा 4 साल का ही है ना, लेकिन काफी ज्यादा सीरियस ले लिया डाटा को। 4 साल में बीमारी बहुत गहरी हो गई है। हाँ जी सर। लेकिन इतना डरने की भी जरूरत नहीं है, आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपने समर्पण पूरा कर दिया। जी सर। 2-3 बातें रही हैं, वो उनको और छोड़ देना कि घर पे, आपके दिमाग में एक विचार फंसा हुआ है कि घर पे हो ना हो, क्योंकि सारा ध्यान घर पे चला जाता है। यहाँ तो आप एकदम 100% ठीक होके महसूस करेंगी, लेकिन दिमाग में एक विचार अटका रहेगा कि घर पे हो जाए बस, और कुछ भी नहीं सोचते आप। लेकिन घर पे इससे भी ज्यादा ठीक होगा, आप सोचना ही है तो अच्छा सोचे ना। आप सोचना ही है तो उल्टा क्यों सोचे? सोचना ही है तो ये सोचे भी घर पे तो जाते ही हम आग लगा देंगे। ठीक है। ओसीडी की माँ बहन एक कर देंगे गाली के साथ, गाली सीख लेना रास्ते में। हरियाणा के 2-3 स्टेशन आएंगे, रोहतक, और ये रोहतक ही आएगा, बहादुरगढ़ आएगा ना, तो यहाँ पर अच्छी अच्छी गालियां देते हैं लोग। हरियाणवी बंदों से सीखना, फिर देखना स्ट्रोंग होके जाओगे। ठीक है, तो ये कहानी समझ गए। अब हमने दिशा बदलनी है, क्योंकि अभी तक तो ये दिशा थी ना, यही गलत दिशा थी, अब हमने दिशा ये करनी है, ए से डी तक जाना है। तो अब देखो आपने जाना है दिल्ली, दिल्ली है यहाँ, आप यहाँ हैं, और आप चल पड़े पाकिस्तान की तरफ, तो वो ज्यादा होता है। लेकिन गाली थेरेपी से वो घबराहट ही नहीं हुई। हाँ गाली थेरेपी से घबराहट हुई नहीं, डीआरपी कितना ही कर रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, गुस्सा करा वैसे। हाँ तो ये सारा कंसेप्ट उल्टा कर दिया अपने, इसलिए एक्सपोजर भी कर दिया लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हटा दिया ना। क्या समझे? समझ गए सर कि ओसीडी को डराना है, डरना नहीं। समझते वो जल्दी आ। ये तो है। तो अभी आपने अपनी दिशा चुन ली है एंटी ऑब्सेशनल, तो एंटी ऑब्सेशनल ऐसी डगर है
जिसमें आपको फाइट करनी होगी, जिसमें आपको लड़ना होगा, अपने डर का सामना करना होगा। अब डर का सामना कितना करना है, कितनी आपने गलत दिशा तय कर ली है, वो तो पहले हम जान लें। जी सर। तो गलत दिशा हमने तय कितनी की है, इसके लिए हमने 35 लाख तो वो था उसका डेटा। इसका हाँ। डेटा कितना है वो देखते हैं, मशीन वाला डेटा अलग मिलेगा ना। अच्छा। तो हाँ। ये है मन टाइम एंड स्पेस का सिद्धांत कि स्पीड स्लो होना अर्थात दुख चिंता घबराहट, और स्पीड स्लो होती है डेटा के कारण। तो डेटा हमें बचपन से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है, सबसे पहले घर वाले हमें डेटा पकड़ाते हैं, उसके बाद बाहर वाले, उसके बाद धर्म भी है, समाज भी है, और अब तो सोशल मीडिया ने डेटा की भरमार कर दी है। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया लोगों को बीमार करने में लगा हुआ है। जो कोरोना आई है वो सोशल मीडिया ने इतनी सूचनाएं फैला दी कि कोरोना ने ओसीडी को ही बढ़ा दिया। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियो आए, डर का माहौल बहुत बढ़ गया ना। सोशल मीडिया पे देख देख के भी ऐसे वायरस, सारी चीजें गंदी लगने लग गई। तो सोशल मीडिया ने कितना डाटा भरा ना, और सोशल मीडिया रात दिन फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सारा डाटा ही तो भर रहे हैं, और ये सारा ही नकली सौदा है। यूट्यूब पर 99% चीजें रोंग है, फेसबुक पे तो लगभग चीजें रोंग है, सब कुछ नकली है, साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं। तो वो उन वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है, बहुत सी मूवी, सारी चीजें काल्पनिक है, जिनका साइकोलॉजी से हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं होता। वही बीमार हमें कर रही है। तो इसीलिए हमने ये ध्यान में रखना है कि डेटा ने स्पीड स्लो कर दी है। तो उस डेटा ने इतनी स्पीड स्लो कर दी कि एक दिन वो स्लो स्पीड हमारे लिए रोग का कारण बन गई। ओसीडी उसी को ही ज्यादा होता है जिसकी स्पीड पहले से ही स्लो होती है डेटा के कारण। जिसकी फास्ट स्पीड है उसके अंदर विचार नहीं फंसेंगे ना, स्लो स्पीड में विचार फंसते हैं ना, जिसकी स्पीड फास्ट है उसमें तो विचार फंस ही नहीं पाएंगे, तो वो बीमार नहीं होता है। क्या समझे? ये कि जिनकी ऑलरेडी डेटा फीड होता है तो उनके मन की स्पीड स्लो होती है, तो इसलिए ओसीडी उन पे हावी हो जाती है, और उस वही विचारों के उसमें अटक जाते हैं। हाँ। थॉट्स प्रोसेस में अटक जाते हैं, ओसीडी के जाल में फंस जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जिनका फास्ट होगा तो डेटा अपने आप ही डिलीट होता रहता है। हाँ। उनको जरूरत नहीं किसी एक्सटर्नल हेल्प की, लेकिन ये डेटा स्लो की वजह से वो जो थॉट्स हम अपने हटा सकते हैं, पर वो उसमें वो भी एज ए डेटा फीड होते रहते, फीड होगी वो हम पे एज ए बीमारी के फॉर्म में आ जाते हैं। हाँ, बीमारी, फिर वो बीमारी डेटा ऐड करने लग जाता है हमें बेसिकली। फिर वो बीमारी डेटा ऐड करने लग जाता है। मतलब वही मैं कही कि वो फर्दर डेटा ऐड कर। तो अब देखिए, जो डेटा था उसने तो बीमारी आपके अंदर ये पैदा कर दी। गंदगी का डेटा आपके अंदर था, उसी गंदगी के डेटा ने गंदगी वाली बीमारी पैदा कर दी। फिर इस बीमारी ने डेटा ऐड करना शुरू कर दिया। तो सबसे ज्यादा डेटा ऐड होता है अवॉइडेंस से, फिर डूइंग से, फिर खतरे से, और फिर ऑब्सेशन से। तो इन चारों से डेटा ऐड ही तो हुआ है, और फिर ये डेटा इतना ऐड हो जाता है कि वो डेटा ही हमें चलाने लग जाता है। हम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, वो डेटा हमें रन कर रहा है, जैसा डेटा चाहता है वैसा ही हम। वही मैं कह रही हूँ कि हम उसके वश में आ गए। हाँ, कठपुतली बन गए। क्यों नाच नचाता है, जैसा मन में डाटा होगा वैसा ही नाच हम नाच रहे हैं। जिसके मन में गंदगी का डाटा है वो वॉशरूम में या वॉश बेसिन में हाथों को धोता रहता है। जिसके मन में भगवान का डाटा है वो मंदिरों में माफी मांगता रहता है। यस सर। जिसके मन में बीमारी का डाटा है वो HIV कैंसर के बारे में सोचता रहता है। जिसके मन में जैसा डाटा वैसा ही वो नाच नाच रहा है। कौन है? एक बार कहते क्लास में, क्या समझ में आया? कि जिसके मन में जैसा डेटा होता उस जाल में वैसे उस ओसीडी के फॉर्म में फंसता रहता है। तो आपके मन में ऐसा ही डेटा था ना? यस सर। उसी डेटा ने तो इतना रोग आपके अंदर भर दिया है। जी सर। लेकिन अब इस रोग को भी योग में बदलना है गीता से।
ये रोग भी हमारे लिए योग बन जाए। तो इसके लिए अब हमें सही दिशा में जाना है। तो अब देखते हैं कि कितना डाटा हमारे अंदर ऐड हो चुका है। तो सबसे पहले देखना है कि जो आप दूसरों से कपड़े डलवा रहे हैं ये कितने समय से कर रहे हैं? 4 सालों से, जब से। हाँ। कितनी दिन में कितनी बार करती हैं? दिन में 2 बार। दिन में 2 बार, और दिन में 2 बार करते हैं तो 60 बार हो गया एक महीने में। 12 × 5 = 60। 30 × 60। अच्छा, दिन में 2 बार तो 30 × 60 1800 बार। और 48 महीने हो गए 4 साल में। 48 × यानी 4 साल में 4 × 6 = 8, 32 40 × 8 4 × 8 = 8 ये 8840 बार। 8840 डेटा है। और ये नहाना कितनी बार करती हो दिन में? सर वो तो वैरी करता है, पहले तो 3-3 बार नहाती थी, अभी 2, कभी 1। 2 मान लीजिए। और कितना समय लगाती हूँ? 1.5 घंटा। 90 मिनट गुना में। आप क्या कैसे कैसे वो कंपल्शन रहते हैं वहाँ, पैटर्न क्या क्या रहते हैं? पैटर्न ये कि पहले तो सब चीज साफ होनी चाहिए, फ्लोर वगैरह सब कुछ, सिंक विंक सब, जो नीचे जाली वाली सब साफ होनी चाहिए, फिर चीजें ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, बकेट धुली भी होनी चाहिए। बकेट को भी पैटर्न से धोती, पहले जग धोया, फिर वो नलका धोया, फिर बाहर से बकेट धोया, अंदर से धोई, फिर वो धोने के बाद फिर सब कुछ करना, फिर नलके को धोना है, वो दूसरे साबुन से धोना है। अच्छा, फिर हाथ धो। साबुन भी 2 रखते हो? हाँ, मतलब अच्छा, फिर अच्छा। दूसरे साबुन से, फिर साबुन लगाना है तो हाथ पे लगाना है, पहले देखना है सही से लगानी, फिर बॉडी पे पैर में, हैंड में, एंड में लगाना, फिर साबुन धोना है, फिर करना। अगर सर धोना तो पहले शैम्पू करना है, हाथ पे शैम्पू दिखना चाहिए, झाग दिखना चाहिए, उसमें ये पैटर्न है, पहले ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये सब होता है सर। फिर एंड में जब लाओ तो चीजें वैसी, वो शावर जो होता है, हैंड शावर ऐसे रखा होना चाहिए, जाओ तो फिर लाइट कंफर्म करके जाओ, चटकनी खोलनी है, घुसने से पहले चटकनी लगानी, दरवाजा बंद है कि नहीं कंफर्म करना, लाइट जलेगी शुरू में, फिर जाते टाइम भी हुई। तो ये देखो 5-6 तो है। हाँ। अच्छा, ये करना कितना हो गया? क्या ये गुना करना मोबाइल से? ये तो 2 × 9 = 12 ये 2 तो दिन में हो गया। हाँ। 90 मिनट तक आप करती हो, 1.5 घंटा करती हो, और 6 उसमें अलग अलग वेरिएशन। अच्छा, होते पैटर्न करा आपने। हाँ। 1080 गुना में 48 कर दो भाई। तो ये देखिए 51,000 52 ही मान लो, 52,000 क्यों मान ले, 51,000 पे रहेंगे। 52 तो आज करोगे आप पूरा? रोज ऐड ही तो कर रही हो जी, तो आज 52 कर दोगे? ये 52 करना है या इसका उल्टा करना है सर? 0 करना है। 0 करना है तो फिर आज ही फाइट कर देते हैं। और ये कितनी बार रहता है घर में, गंदगी फैलने का विचार कितनी बार आता है मन में? वो तो जैसे कोई घर पे आया, बच्चों ने नीचे फैला दिया, कोई बाहर से आया टच कर दिया, वो तो डिपेंड करता है कि मैं अकेली घर पे हूँ या कौन कितनी बार आ रहा है, कितनी बार, या बच्चे ने कुछ नीचे कपड़ा गंदा। एस्टिमेटेड कितना का रहता है, कितनी बार आता है? 10-12 बार। 10-12 बार तो 15 गुना में करना 30। 15 × 30 450। 450 गुना में 48 हाँ, तो 21,600 ये हो गया। ठीक है, तो अब ये गंदगी का एहसास, गंदगी वाला विचार कितनी बार आता है? अच्छा, बोला तो सर 10 बार। हाँ, ये तो खतरे वाला है, ये भी इतनी बार होता होगा ना। चलो ये 22,000 मान लेते हैं। तो अब देखिए टोटल कितना हो गया, ये 1,00,000 के करीब डाटा हो गया होगा। 21,000 क्या है सर? 21,000 डर का डाटा, खतरा, खतरा, और गंदगी 22,000 ये विचार फंसता है, गंदगी का एहसास। अच्छा, हाँ, मैं खुद गंदी हो जाऊंगी,
गंदी हो होने वाला विचार आता है मन में। हाँ हाँ, तो ये हो गया 1 लाख डाटा मान ले, ले देखे 1 लाख तो पहुंच ही जाते हो। ठीक है, तो 1 लाख डाटा जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक मन बोलता ही रहेगा, अंदर से डर आता ही रहेगा। अब 1 लाख को डाटा को डिलीट कैसे करना है? एंटी ऑब्सेशन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि जिन रस्तों से डाटा आया था उन्हीं रस्तों से डाटा को आने से रोक देना है। ये चारों दिशाएं थी ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इन्हीं चारों दिशाओं से हमने रोक देना है, डाटा को आने ही नहीं देना है और जो है उसको फाइट करके डिलीट कर देना है। तो सबसे पहले शुरू कर क्या करना है, दूसरों से कपड़े नहीं डलाना है, खुद डालना है, फाइट करनी है, खुद धक्के से मशीन के पास जाना है, गंदे कपड़े मशीन में रखने हैं और उन्हीं कपड़ों को सारी जगह से टच कर देना है, ये फाइट करनी है। अर्थात आपने धक्के से ट्रिगर को क्रिएट करना है। अब ए से डी की तरफ जाना है ना, तो अब धक्के से ट्रिगर करना है, ट्रिगर क्रिएट करना है फाइट के साथ। और उसके बाद जैसे बी है तो इन विचारों को बुलाना है, इस राक्षस को, ओसीडी वाले राक्षस को बुलाना है कि गंदगी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जाओ, इसको गंदी गंदी गाली देके बुलाना है। तो गाली थेरेपी, जैसे कहते हैं ना कि किसी को मारना हो तो चारों दिशाओं से घेरो, दबोच लो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ईआरपी सीधा ही कर देते हैं एक्सपोजर। अच्छा, तो ओसीडी दूसरी तरफ निकल जाती है। हाँ, दूसरी तरफ निकल जाती है ना, इसीलिए ईआरपी डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको एक प्लानिंग एक स्ट्रेटेजी के साथ की जा सकती है, नहीं तो ओसीडी बहुत चालाक है ना, वो दूसरी दिशा से भाग जाएगी। जैसे डॉक्टर के पास आप जाओ तो डॉक्टर डस्टबिन से हाथ तो लगवा देगा। हाँ। लेकिन वहां पर ऐसे ही रखोगे, ऐसे टच नहीं करोगे, जैसे ही डॉक्टर इधर उधर हुआ पूरा हिसाब किताब बराबर, या घर आके पूरा हिसाब किताब बराबर कि हमारे सामने तो कर लेते। हाँ, वो ऐसे नहीं, आपकी तरह थोड़ी ना ऐसे हाथ जेब में डालेंगे, उनके हाथ ऐसे ही रहेंगे, वो हाथ किसी से आए कुछ तो ऐसे करके। एक डॉक्टर बोला कि ये ओसीडी वाले तो बड़े तेज होते हैं, सीधे नहीं होते, ये झूठ बोलते हैं। हाँ, झूठ बहुत बोलते हैं, बोल रहे थे वो। हाँ, कौन से डॉक्टर थे? वो मेरे थेरेपी कर रहे थे, इनके ऑफिस के ही थे कोई। अच्छा, इनके ऑफिस के? अरे मतलब कि वहाँ पे डॉक्टर आते ना, तो वो कर रहे थे मेरा सेशन ऑनलाइन। अनुभवी डॉक्टर थे। हाँ, तो वो बता रहे थे इनको, क्योंकि इनके उसमें तो क्या होता है ना, आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग भी सब ऑफिस से देखते हैं, डॉक्टर्स वगैरह पैनल में होता है तो ट्रीटमेंट का। तो कितनी थेरेपी की है? कितनी थेरेपी की उन्होंने? मैंने सर ज्यादा नहीं करी, मैंने फिर करी ऑनलाइन, क्योंकि मुझे किसी ने बोला ऑनलाइन में इतना वो नहीं होता। अच्छा, फिर भी कुछ ना कुछ तो समझाया होगा उन्होंने। नहीं नहीं, वो करते थे, वो यही करते थे, वो टास्क देते थे, जैसे आप ये चार्ट बोल रहे हो कि जब भी आपको कुछ हो तो आप अपने आप से प्रूफ मांगो कि ये ऐसा है। ठीक है, कर तो लेती थी, पर वो जब तक कोई कराए ना ना सर, जो आप कह रहे हो कर रहे हो, वो जब तक इतना फ्रूटफुल नहीं होता, ये बात है। बाकी ठीक है, सही थे वो। हाँ, तो अब क्या करना है, धक्के से ट्रिगर क्रिएट करना है, गाली देनी है, गाली देनी सीख लेनी है, गाली देने से ही सेरोटोनिन डोपामिन बढ़ेगा, गाली के साथ बुलाओ ओसीडी वाले राक्षस को, और खतरे को कम नहीं करना है, घर में गंदगी पूरी फैला के रखनी है, क्रिएट करना है ट्रिगर, उसके बाद वही कपड़े जो मशीन में डाले फिर सारे घर में फैला देने हैं, डर का सामना करना है फेस। ठीक है, तो जैसे पहले तो क्या करते थे, जैसे ही खतरा थोड़ा सा बढ़ा आप कंपल्शन करके उसको डिलीट कर देते थे ना, फिर दोबारा से कंपल्शन करते, फिर करते, ऐसे ऐसे बार बार 4 सालों से ये चल रहे। लेकिन इस बार आपने कंपल्शन नहीं करना, खतरे को बढ़ा के रखना है, 10 फीट टिका के रखना है, पूरे घर में गंदगी फैला के ही रखनी है, गंदगी फैल जाएगी नहीं, गंदगी फैल ही चुकी है, पूरा घर गंदा हो ही चुका है,
पूरे घर को गंदा। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।